प्लेसमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो रहता है हॉस्टल में, अगर एक कमरे में दो स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर वो अपना एग्री है कि हम तीसरे बंदे को रख सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो प्रोपोस्ट ऑफिस से उसको लीगली जो है एडमिशन वहाँ पे दी जाए और वो उसके एडजस्टमेंट ओपन की जाए। लेकिन प्रोपोस्ट ऑफिस से कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। जब भी सर से मैंने बात की तो बात करते हैं कि हमें कमेटी में फाइल भेज दी है, डिसीजन आने वाला है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा 23 जनवरी 2023 और आज अगस्त महीना चल रहा है, यानी लगभग 8 महीने हो चुके हैं, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मजबूरन होना पड़ा। नेशनल सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज का जो प्रोटेस्ट हमने रखा है प्रोपोस्ट ऑफिस के बाहर, वो स्टूडेंट्स के हितों के लिए और हॉस्टल्स मेन है इशू आज हॉस्टल का। हम बताना चाहूँगा सर कि मेमोरेंडम हमने 23 जनवरी 2023 को वाइस चांसलर के ऑफिस में दिया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द किसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसमें मेंशन किया गया है कि EWS, RBA, ALC कैटेगरीज जो हैं और जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको ओपन किया जाए। जो विश्वविद्यालय के अंदर दूसरी कैटेगरीज जो हैं SC ST और हैंडीकैप्ड को एडमिशन्स जो हैं वो हॉस्टल्स में दी जाती हैं, लेकिन RBA, EWS, ALC इन कैटेगरीज को हॉस्टल में एडमिशन नहीं दी जाती। इवन मैं बताना चाहूँगा जब एडमिशन्स डिपार्टमेंट वाइज होती हैं वहाँ पर सीट्स जो हैं वो EWS, RBA, ALC, ST, SC जो है हैंडीकैप्ड वहाँ पर मैंशन हैं, लेकिन हॉस्टल्स जब बात आती है वहाँ पे नहीं है। हमने मांग की गई कि जो पॉलिसी है जहाँ पे भी हॉस्टल्स के रिलेटेड भी इन्वॉल्व हो ताकि गरीब स्टूडेंट्स है उसको हॉस्टल मिले। दूसरा एडजस्टमेंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो रहता है हॉस्टल में, अगर एक कमरे में दो स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर वो अपना एग्री है कि हम तीसरे बंदे को रख सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो प्रोपोस्ट ऑफिस से उसको लीगली जो है एडमिशन वहाँ पे दी जाए और वो उसके एडजस्टमेंट ओपन की जाए। लेकिन प्रोपोस्ट ऑफिस से कोई भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। जब भी सर से मैंने बात की तो बात करते हैं कि हमें कमेटी में फाइल भेज दी है, डिसीजन आने वाला है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा 23 जनवरी 2023 और आज अगस्त महीना चल रहा है, यानी लगभग 8 महीने हो चुके हैं, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मजबूरन होना पड़ा ये प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है दूर दराज इलाकों से आता है और सर वो डेली अप डाउन करता है और कुछ जो हैं कभी PG में रह रहे हैं, कुछ जो हैं रेंट पे रह रहे हैं और हर बार हमारे पास यही मांग लेकर आते हैं कि हमारा हॉस्टल्स का जो इशू है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, हमें कहीं सीटें मिले। बताना चाहूँगा कि अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में सीटें खाली हैं और 8 महीने हो गई हैं, कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 महीने तक आप किसका इंतजार कर रहे हैं? स्टूडेंट्स 1 साल 2 सेमेस्टर निकल चुके हैं लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी। आप किसका फेवर करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन का फेवर कर रहे हैं या स्टूडेंट का? स्टूडेंट का फेवर तो आप दिख नहीं रहा, 8 महीने तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अगर बात करें हम एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से रेवेन्यू के तौर पर देखें तो आपने अगर सीटें नहीं प्रोवाइड की स्टूडेंट्स को तो किस प्रकार से रेवेन्यू? कहीं भी कोई भी फेवरेटिज्म ना, कोई भी स्टूडेंट्स के हित की बात ना, कोई भी जस्टिस ना। इस प्रकार का प्रोपोस्ट ऑफ फीस के जो हेड हैं वो क्या करने हैं हमने? आज अगर डिसीजन नहीं आता तो सीट खाली करें, कुछ ऐसे सक्षम व्यक्ति को भेजें जो तुरंत डिसीजन लें और स्टूडेंट्स के हित की बात करें। लेकिन कोई भी बात करने के लिए आप 1 घंटा हमें प्रोटेस्ट करते हुए गया, अभी तक प्रोपोस्ट ऑफ फीस से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया ना सर दिखे हमें।